प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया अली खान जी जैसी रामनवमी के अवसर पर मंदिर गई, वैसी जिहादियों के सीने पे आग लग गई। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे खुद नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें। जय हिंद जय भारत। अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और इकरा मान लो, ह्यूमैनिटी मान लो, इंसान बन जाओ, शिक्षित हो जाओ। मेरे लिए भी बुरा मुसलमान मर्दों को, लौंडों को, लखंदरों को, लुंगी वालों को, ठरके आजम को, जाहिले आजम को इसलिए लगता है क्योंकि नाज़िया ये चाहती है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा मान लो। अब वो मानेगा नहीं। अब मुझे एक बात बताएं शैला, कि क्या भड़काऊ भाषण से मुसलमानों का पेट भर जाता है? नहीं भर सकता, लेकिन पढ़ेगा मुसलमान तो बढ़ेगा मुसलमान। भगवान राम ऊर्जा है, भगवान राम आस्था है, भगवान राम तपस्या है, भगवान राम संघर्ष है, भगवान राम सत्य है, भगवान राम कण कण में है, भगवान राम मन मन में है। हिंदुओं ने तो नहीं बोला कि मुझे हिंगिस्तान दे दो, सिखों ने तो नहीं बोला कि मुझे सिखिस्तान दे दो, लेकिन मुसलमानों ने बोला कि मुझे पाकिस्तान दे दो, मुसलमानों ने बोला कि मुझे बांग्लादेश दे दो, और अभी असदुद्दीन अवैसी भी बोल रहा है कि भगवान राम की राम मंदिर अयोध्या में बनी। किसने बनाया? किसी के बाप ने बनाया या सरकार ने बनाया या मोदी जी ने बनवाया? बिल्कुल नहीं बनवाया है। मैं मोदी जी की भक्त हूं, लेकिन जो सत्य है वो बोलने से पीछे नहीं हटूंगी। मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनवाई है, या वहां जो हिंदुओं की वेटिकन जो स्टेट हुआ है, जो राम मंदिर का इतना भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वो भारत के सनातनियों ने बनवाया। तो भारत के मुसलमान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्यों नहीं बनवा पा रहे? क्यों पीछे हट जा रहे हैं? मोदी सरकार बहुत सांप्रदायिक है, मोदी सरकार हिंदुओं की सरकार है। परियोजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ भिखारी की तरह हाथ फैला करके, कटोरा लेकर के तुम सबसे ज्यादा उठाते हो मुसलमान। डेटा निकाल करके शाला आप देख लीजिए कि सब्सिडी सबसे ज्यादा मुसलमानों ने भारत में उठाया है, क्योंकि ये मौलाना साहब तो साफ कह रहे हैं भैया कि होली दिवाली मनाने से शैतान खुश होता है और अल्लाह नाराज होते हैं, पर जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो मानने वाली बात है कि वो मुसलमानों ने बनाया है जिहाद के नाम पर, तो उससे अल्लाह खुश होता है क्या? गांधी जी ने कोशिश की मंदिर में कुरान की आयतें पढ़ करके, पर गांधी जी की भी औकात नहीं थी कि वो मस्जिद में श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर। राम नवमी की पाकिस्तान के जो 1% मेरे बेचारे हिंदू बचे हुए हैं पाकिस्तान में, उनको भारत की पुत्री, भारत की बेटी नाज़िया अली खान की तरफ से राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करूंगी कि बहुत जल्द वो भारत में आकर के रामनवमी हमारे साथ धूमधाम से पूरे जोश के साथ मनाएं, वो दिन उनकी किस्मत में जल्द से जल्द आए। बहुत अच्छी शुरुआत जी शो की हुई है। मैम, आप जो है सनातन धर्म के त्यौहार जब मनाती हैं, जैसे कि आज आपने माथे पर तिलक भी लगा हुआ है, मोस्टली मुसलमान नहीं लगाते, तो ऐसी क्या चीजें जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है और आपको हर त्योहारों में आपको मंदिरों में जो है देखा जाता है, मीडिया आपसे बात करती है, कुछ तस्वीरें भी मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूंगी। ये कल के त्योहार की है जहाँ पे नाज़िया अली खान ने न सिर्फ रामनवमी मनाई बल्कि पूजा भी की, तो कैसे एक्सपीरियंस रहता है और बार बार कौन सी चीज है जो आपको मंदिर खींचे चली ले जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि भगवान राम ऊर्जा है, भगवान राम आस्था है, भगवान राम तपस्या है, भगवान राम संघर्ष है, भगवान राम सत्य है, भगवान राम कण कण में है, भगवान राम मन मन में है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आपके साथ ही चांद रात वाले दिन एक सेशन किया था और मैं नाखुदा मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ना चाहती थी, ईद की नमाज। दरवाजा बंद कर दिया गया और मुझे धमकियों पे धमकियां और धमकियों पे धमकियां और धमकियां, तो बलात्कार की भी आई है मुझे। सच में? जी हाँ, सच में।
उसके उसका एक नमूना मैं आपको सुना देती हूँ। मैं कहती थी ना कि मुसलमान तीन औजार लेकर के घूमते हैं, तो आप काफी हंस दी थी, तो उसमें से एक औजार सुना देती हूँ। सुना? आवाज कम थी। देखिए मुसलमान कितनी खूबसूरत गालियां देते हैं। और साली गंदी, तेरा भी वक्त आने वाला है, खूब जल्दी आने वाला है, गंदी। ठीक है, बहुत बुरी बात है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी। देखिए आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सब ने अपने अपने खून बहाए। सब सिख ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया, गला तक कटा। गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़िएगा तो आंखों से आंसू नहीं खून निकलेंगे, और बहुत देर तक मतलब हम थोड़े से थरथराते हुए रह जाते हैं। हिंदू पे आज तक अत्याचार हो रहा है भारत में, पाकिस्तान में। जैन आज भी सबसे ज्यादा मंदिरों का टैक्स सरकार को जैन दे रहा है, पर धर्मों के आधार पर बंटवारा किसने किया? लियाकत और जिन्ना ने। बांग्लादेश किसने लिया? मुसलमानों ने। और आज भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई चढ़चढ़ा रहा है, भारत में सबसे ज्यादा कोई फड़फड़ा रहा है, भारत में सबसे ज्यादा कोई कड़कड़ा रहा है, और भारत में सबसे ज्यादा कोई 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कहता है, तो वो असदुद्दीन अवैसी है, रजाकार फौज का आखिरी चश्म चरा। तो अगर वाकई में मुसलमान इतने खूबसूरत है और इस्लाम इतना खूबसूरत है, तो देश देश का बंटवारा, किसी की हत्या करना, पैंट खोल करके बलात्कार करना, अल्लाह अकबर के नारे पर औरतों के कपड़े उतारना, मंदिरों पर पत्थर फेंकना, शोभा यात्रा को ना होने देना, किसी के धर्म को गालियां देना, किसी के धर्म को मलाइन करना, किसी के धर्म को डिफेम करना, किसी के भगवान पर अभद्र टिप्पणियां करना, ये मुसलमानों ने कहां से सीख लिया है? कहां से? अल-कुरान से सीख लिया है। धर्मों के आधार पर बंटवारा तो मुसलमानों ने ही कराया, हालांकि आजादी में तो सारे धर्म वाले साथ में थे, पर उनमें से तो किसी ने बंटवारा नहीं किया। जैन ने तो नहीं बोला कि भाई मुझे एक अलग से जैन का जैंगिस्तान दे दो। हिंदुओं ने तो नहीं बोला कि मुझे हिंगिस्तान दे दो। सिखों ने तो नहीं बोला कि मुझे सिखिस्तान दे दो। लेकिन मुसलमानों ने बोला कि मुझे पाकिस्तान दे दो, मुसलमानों ने बोला कि मुझे बांग्लादेश दे दो, और अभी असदुद्दीन अवैसी भी बोल रहा है। देखो शैला, लोग ये सोचते हैं कि नाजिया मंदिर क्यों जाती है? आस्था है, विश्वास है, इज्जत है, मान है, मर्यादा है, दरवाजा खुलवाना नहीं पड़ता है, पुलिस डिपार्टमेंट को चिट्ठियां नहीं भेजनी पड़ती हैं, रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, इल्तिजा नहीं करनी पड़ती है, पैर नहीं पकड़ना पड़ता है, नाक नहीं रगड़ना पड़ता है कि प्लीज मुझे मंदिर जाने दो, नहीं, ये मस्जिद में करना पड़ता है मुझे। एक मुसलमान बेटी मस्जिद नहीं जा सकती, लेकिन देखो ईद के दिन ममता बनर्जी चली गई और उसने भड़काऊ भाषण भी दे डाला, लेकिन मुसलमान बेटी को इमाम साहब ने मस्जिद नहीं बुलाया, क्योंकि इमाम साहब को लगा कि नाजिया से तो चवन्नी का फायदा नहीं होने वाला है, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, वो आएगी तो बहुत सारा फायदा होगा, इसलिए नाजिया को बुला करके क्या फायदा है? नाजिया तो इकरा पे बात करेगी, वो तो एडुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करेगी, उससे तो भड़केगा नहीं मुसलमान, लेकिन श्रीमती ममता बनर्जी आएगी तो वो हिंदुओं को मलाइन करेंगी, वो भगवान राम को मलाइन करेंगी, वो बीजेपी को मलाइन करेंगी, तो मुसलमान में जोश आएगा, फिर से नासिर खान पैदा होगा, फिर से वो सुजर जॉर्डन का बलात्कार करेगा, फिर से आफ्ताब पैदा होगा, फिर से वो श्रद्धा की बोटियां कर करके फ्रिज में रखेगा। तो नाजिया से तो मुसलमानों को फायदा नहीं है, नाजिया तो भड़काऊ भाषण नहीं देगी, नाजिया तो कहेगी कि मुसलमानों एडुकेट होने के लिए अल कुरान ने पहला वर्ड इकरा का दे दिया था, पढ़ लो। लेकिन तो आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको काफी खूबसूरत लगी होगी, जहां पे नाजिया लाई खान जी ने खुद मुसलमान होते हुए ये कहा भगवान राम का नाम ही सत्य है, कन कन में राम है, मैं तो यही कहूंगा सनातन ही सत्य है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए
फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।